जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह यादव, होनीडा साइकिल राइडर, अलवर राजस्थान से। मैं निकल रहा हूँ लद्दाख ट्रिप पे, जो कि अभी बस रिसेंटली 10 से 15 मिनट में अपने घर से निकलने वाला हूँ। जो आप देख पा रहे हो पीछे मेरी साइकिल रेडी है बिल्कुल। तो बस अब मैं कुछ ही देर में अपने घर से रवानगी लूँगा लद्दाख ट्रिप के लिए। तो आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को प्यार करें। चलो यात्रा के लिए नरेंद्र साइकिल ब्लॉग सेव ट्री एंड सेव अर्थ। और अपनी न्यू साइकिल है, न्यू जर्नी है, और सारा लगेज हमने कैरी कर लिया है प्रॉपरली। और पीछे का जो बोर्ड है वो भी बहुत अच्छा है भारत यात्रा का। और ये साइकिल है जो कि न्यू परचेज की है, पहले पुरानी वाली साइकिल थी, अब लद्दाख ट्रिप पर नई साइकिल ली है। और हमने साइकिल परचेज की है लीडर ब्रांड की, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैंने इसकी टेस्टिंग करके देखी थी तो बड़ी अच्छी चलती है, स्मूथली चलती है। और 7.3 में है ये भी गियर में, और शिमानो के गियर हैं टोर्नी के, तो बड़ी अच्छी साइकिल है। तो नई साइकिल, नई जर्नी, और ट्रिप भी है लद्दाख की, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और ये इंडिया का अपना फ्लैग है, जो कि हवा चलेगी तो हवा में लहरेगा। और जल्दी चलते हैं लद्दाख, मिलते हैं। और ये मेरा घर है, आज तक मैंने अपनी वीडियो में अपना घर नहीं दिखाया कभी भी। ये मेरी बाइक है और ये अपना घर है, और जय श्री राम का फ्लैग देख रहे हैं आप। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, घर आप मेरे देख चुके होंगे। तो अपनी साइकिल रेडी है। तो ये मेरे अजीज मित्र हैं, जो कि मेरे को बैरोड सिटी तक विदाई देने के लिए आए हैं लद्दाख ट्रिप पे। तो अभी कोल्ड ड्रिंक चल रही है, सभी भाई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी बस ये मेरे को कुछ ही देर में यहाँ से विदाई देने को तैयार हैं। देख पा रहे हैं कि मैं फ़िलहाल राजस्थान में 30 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद अब हरियाणा में एंट्री करूंगा। तो फ़िलहाल अभी मैं राजस्थान की वीरभूमि पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर में मैं हरियाणा में एंट्री करूंगा, और पता नहीं फिर कितने दिनों बाद मैं राजस्थान की इस वीरों की धरती पे वापस लौट के आऊँगा। तीन मंथ का मेरा ये टूर रहेगा, राजस्थान टू लद्दाख, लद्दाख टू कन्याकुमारी का। तो जस्ट आगे अब हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा, और हरियाणा के बाद हम पंजाब में एंट्री करेंगे, पंजाब के बाद हिमाचल में एंट्री करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, भाई को प्यार करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। चलते, शाम होने को आ रही है, 4 बज चुके हैं, और सुबह से घर से ही खाना खा के निकला था, थोड़ी भूख लगी है साइकिलिंग करने के बाद। और हम D152 से जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर कोई होटल वगैरह नहीं है, तो अपने जो घर से खाना बनवा के लाए थे, अपना खाना रखा है, पराठे और अचार है। तो अभी ये खाएंगे और अपनी भूख को शांत करेंगे, फिर आगे की तरफ निकलेंगे। अभी अपनी साइकिल खड़ी आप देख रहे हो D152 पे है, जो कि बहुत ही अच्छा नेशनल हाईवे है। अब इसी नेशनल हाईवे पर हम चलेंगे आगे की तरफ, और ये अपनी साइकिल भारत यात्रा और आगे की तरफ। अभी खाना खाते हैं, खाने खा के निकलते हैं आगे की तरफ हैं। और ये लहसुन का अचार है, जो कि आज लास्ट है ये घर का खाना, उसके बाद फिर बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। तो पता नहीं कैसा मिलेगा बाहर का खाना। तो अभी आज तो घर के खाने का एंजॉय करते हैं, अच्छे से भरपेट खाते हैं, फिर कल देखते हैं कैसा मिलता है बाहर का खाना। तो अभी खाना खाते हैं और फिर नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो पहला दिन था, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट हमारा नाइट स्टे हो चुका है, जो आप देख पा रहे हो इसी होटल में हमारा नाइट स्टे हुआ है। अभी फ्रेश होंगे, हाथ पैर मुंह धोएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि D152 पे हम नारनौल से एंट्री करी थी और महेंद्रगढ़ तक, उस पर एक भी कट नहीं है। तो पानी की इतनी भारी किल्लत का सामना करना पड़ा, धूप बड़ी तेज़ थी, पानी था नहीं, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, और उसकी वजह से सर दर्द होने लग गया और थकान भी बहुत ज़्यादा हुई, और थोड़ा सा हल्का सा बुखार भी आया मेरे को। तो मैंने टैबलेट ले ली है बुखार की और सर दर्द की, तो अभी थोड़ा रिलैक्स है। तो कल से हम शायद सीटी सीटी होके चलेंगे, इस एक्सप्रेस वे पर नहीं चलेंगे, क्योंकि उस पर 40 से 50 किलोमीटर तक कोई कटनी है, खाने की पीने की असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो हम बिल्कुल सेफ राइड करेंगे, क्योंकि हमें लद्दाख पहुंचना है, अपने आप को एक चैलेंज किया है। तो आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें ऐसे ही। अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है, तो अंधेरे की वजह से साइकिल नहीं दिख रही, बाकी अपनी भारत यात्रा साइकिल यहाँ पर पार्किंग कर दी है। तभी अब हाथ मुँह धोएंगे, फ्रेश होंगे, और आज का हमारा जो है नेक्स्ट स्टे इसी एक छोटे से होटल में रहेगा। तो
तो आप देख पा रहे हो ये अपनी चारपाई रहेगी, थोड़ी टूटी फूटी है चारपाई पर काम चल जाएगा, अपना पंखा है तो हमारी रात आराम से निकल जाएगी। तो इसी होटल में हमारी नाइट स्टे रहेगी।